पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपने दौरे के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जंबूरी मैदान में भाजपा के और वहां के लोगों को, जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल लोग चला रहे हैं। बड़ा कटाक्ष किया प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस को अर्बन नक्सली चला रहे हैं। साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। कांग्रेस की सरकारें वोट पाने के लिए किसानों को लोन माफी की झूठी गारंटी देती रही है, लेकिन छोटे किसानों, पशुपालकों के लिए तो बैंक से लोन लेना असंभव था। वे तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाजार से महंगा ब्याज लेते थे, महंगे ब्याज पर पैसे लेते थे। इसलिए आपके इस सेवक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों की भी गारंटी ली।